मंगलवार रात मुंबई पुलिस ने एक हुक्का पार्लर में छापामार कार्रवाई की। स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी समेत वहां 13 अन्य लोगों को हिरासत में लिया। इन सभी को पूछताछ के बाद रिहा भी कर दिया गया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फोर्ट इलाके में मौजूद होटल सबालन हुक्का पार्लर में हुई इस रेड से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस हुक्का पार्लर में तंबाकू का सेवन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस वहां छापामार कार्रवाई करने पहुंची और 13 लोगों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल था। अवैध रूप से चल रहे इस हुक्का पार्लर से पुलिस ने छापामारी कर 4,400 रुपए नगद और 13,500 रुपए की कीमत के 9 हुक्का पॉट जब्त किए। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट की एक तस्वीर शेयर की है। एक सेल्फी शेयर करते हुए मुनव्वर ने लिखा, थका होने के बाद भी ट्रेवल कर रहा हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुनव्वर फारूकी का नाम किसी विवाद से जुड़ा। 2021 में मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। उन्होंने अपने एक स्टैंड अप एक्ट में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंट किए थे। उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR भी दर्ज हुई थी। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और वो 37 दिनों तक जेल में रहे थे। विवादों में आने के बाद मुनव्वर ने सबसे पहले 2022 में कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट किया था और वो इसके सीजन 1 के विनर भी रहे थे। इसके बाद वो पिछले साल बिग बॉस 17 के भी विनर बने। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं हूं भारत पंचवाल। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।